यहां हम लोग अभी तक कोरोना से लड़ रहे हैं और वहीं चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक से 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हासिल किया है। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड साउथ कोरिया के नाम था, जिन्होंने 2020 में के स्टार के थ्रू मात्र 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हासिल किया था। इस एक्सपेरिमेंट में चाइना के आर्टिफिशियल सन ने एक समय में 20 सेकंड के लिए 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के आंकड़े को छू लिया था, जो कि सन के टेम्परेचर से लगभग 10 गुना है। गाइस, ये आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है और ये चाइना के हिफई में है। गाइस, इस सन का इस्तेमाल क्लीन एनर्जी के लिए किया जाएगा। आपको इसके बारे में सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। 2006 से पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल किया जाता था और तब गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट सेट होता था, लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को लगभग बर्बाद ही कर दिया था जब उसने गूगल सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट से हटाकर अपने सर्च इंजन बींग को यूज करना शुरू कर दिया था। तब गूगल को 300 मिलियन यूजर्स का नुकसान हुआ था। गाइस, अगर तब सुंदर पिचई गूगल में ना होते तो शायद आज गूगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि तब सुंदर पिचई की अगुवाई में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉन्च किया था, जो कि आज दुनिया का नंबर 1 वेब ब्राउजर है। गाइस,